नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। साल 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के दो भागों में जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया था और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। इसके बाद दुनिया भर में जमकर हल्ला मचा और सबसे ज़्यादा तहलका मचा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हाई तौबा मच गई कश्मीर को लेकर के, वहाँ पर नारेबाजी हुई, वहाँ के जो राजनेता थे उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए कश्मीर को लेकर के। अब अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए एक लंबे समय से जो मशक्कत चल रही थी वो मशक्कत अंततः पूरी हुई, जिसके बाद अब जाकर यानी कि साल 2023 में आर्टिकल 370 को परमानेंटली बैन कर दिया गया है। और अब इस मुद्दे पर इसकी पूरी व्याख्या करने के लिए आर्टिकल 370 नाम की एक फिल्म आई है, जो कि इस घटना की पूरी कहानी को बयां करती है कि किस प्रकार से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, क्या उसकी प्रक्रिया थी, कैसी कैसी उसमें दिक्कतें आई, और जो सारी बातें हैं उनको देखते हुए आर्टिकल 370 नाम की एक फिल्म आई है। अब एक तरफ तो बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म झंडे गाड़ रही है, लेकिन वहीं कुछ मुस्लिम देशों को आर्टिकल 370 के आने से ऐसी मिर्ची लग रखी है कि इन देशों ने इस फिल्म को बाकायदा अपने देशों में प्रमोट होने से ही बैन कर दिया है। कौन से हैं वो देश और क्यों आखिर इस फिल्म को यहाँ पर बैन किया गया है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। आर्टिकल 370 फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से ही सिनेमाघरों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म अब तक करीब 30 करोड़ की कमाई कर चुकी है और वहीं वर्ल्ड वाइड से ये कलेक्शन लगभग 40 करोड़ के पार हो चुका है। इस फिल्म के रिलीज पर खुद पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस फिल्म की खूब सराहना की, लेकिन इसी बीच कुछ मुस्लिम देशों को यह रास नहीं आया, उनकी आंखों में यह फिल्म खटकने लगी है और इसी के चलते खाड़ी देशों के करीब 6 में से 5 देशों में यानी कि कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, कतर और बहरीन में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। हालांकि मुख्य देश संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है कि ऐसी फिल्मों को विदेशी यानी कि मुस्लिम देशों में बैन कर दिया गया हो। फाइटर, कश्मीर फाइल्स, टाइगर 3 जैसी तमाम ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें मुस्लिमों या फिर गल्फ देशों में जगह नहीं मिली है, वहां उन्हें बैन कर दिया गया है। बात करें आर्टिकल 370 फिल्म को लेकर, लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी इसकी सराहना भरे पोस्ट भी लिखे हैं। इतना ही नहीं, फिल्म को रेटिंग के मामले में भी लोगों ने आगे रखा है। IMDb पर इस फिल्म की 10 में से 8.8 रेटिंग इसको दी गई है, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि भारत की जो सबसे ज्यादा हाईली रेटेड जो फिल्म हैं उनमें से ये फिल्म एक है और अब इस फिल्म को खाड़ी देशों में बैन कर दिया है। कश्मीर का मुद्दा खाड़ी देशों को लेकर के खासकर मुस्लिम देशों में हमेशा गर्माता रहा है और इस मुद्दे को लेकर के खासी बहस भी होती रही है। हालांकि ये भारत का अंदरूनी मामला रहा है, लेकिन मुस्लिम देश इसको लेकर के अपनी अपनी राय रखते रहे हैं, भारत की इसमें बुराई करते रहे हैं और अब 370 हटाने के बाद जब इस पर ये फिल्म आ रही है आर्टिकल 370, तो अब उस पर भी मुस्लिम देशों को मिर्ची लगी है और उन्होंने इस फिल्म को अपने देश में बैन कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।